अगर आप एक आर्ट लवर हैं या फिर आप फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि BFA या MFA की, तो आप जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जरूर जानते होंगे या फिर कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जानेंगे, वहाँ की सीट्स, वहाँ की अवेलेबिलिटी, वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कराया जाता है, उन सभी के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि BHU, DU या फिर जामिया इस्लामिया की, तो ये चैनल दोस्तों आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों BFA MFA फाइन आर्ट्स से रिलेटेड है सारी वीडियोज ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो आइए देखते हैं। सो दोस्तों, हम सबसे पहले सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में जान लेते हैं, बाद में वहाँ के कोर्सेज और फाइन आर्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट, इसका एस्टेब्लिश ईयर 1857 में हुआ, और यहाँ पे अगर एफिलिएशन की बात करें इसकी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से इसका एफिलिएशन है। एप्लीकेशन मोड जो होता है वो ऑनलाइन होता है, उसके अलावा जो वहाँ पे एंट्रेंस कराया जाता है उस एंट्रेंस का नाम होता है MHACCET, यानी कि महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट एंड क्राफ्ट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, इस एंट्रेंस एग्जाम के टेस्ट का जो नाम है वो यही है, और यहाँ पे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाता है। गर्ल्स हॉस्टल अवेलेबल है और बॉयज़ हॉस्टल भी यहाँ पे अवेलेबल है, और एक अच्छी लाइब्रेरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फाइन आर्ट्स के लिए आपको चार कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे कि BFA, MFA, डिप्लोमा और हॉबी कोर्सेज। ये टोटल चार कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं फाइन आर्ट्स के लिए। आगे वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ की लोकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो लोकेशन मुंबई, महाराष्ट्र 400001। अब आइए दोस्तों यहाँ के कोर्सेज के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे BFA, MFA, हॉबी कोर्स और डिप्लोमा, टोटल चार कोर्स है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो सबसे पहले हम BFA के बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, BFA टोटल चार साल का कोर्स है, और BFA में यहाँ पे 75 सीट्स अवेलेबल हैं। और बात करें दोस्तों यहाँ के डिपार्टमेंट या स्ट्रीम्स की, तो टोटल 6 डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जैसे कि पेंटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, स्कल्पचर, सिरेमिक और मेटल वर्क। तो ये टोटल 6 डिपार्टमेंट्स यहाँ पे BFA में आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करें यहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सीट्स की, तो दोस्तों पेंटिंग में यहाँ टोटल 30 सीट्स अवेलेबल हैं, इंटीरियर डेकोरेशन में टोटल 15 सीट्स है, और वहीं टेक्सटाइल डिजाइन में भी टोटल 15 सीट्स हैं, स्कल्पचर में 5 सीट, सिरेमिक में 5 सीट्स और मेटल वर्क में भी 5 सीट्स अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, ये रहा BFA के सीट्स अवेलेबिलिटी की बात। और बात करें दोस्तों यहाँ के एंट्रेंस एग्जाम की, BFA का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको कैसे कंडक्ट कराया जाता है, तो टोटल चार टाइप के एंट्रेंस एग्जाम आपको देने होते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग, दूसरा लाइफ स्टडी, तीसरा मेमोरी ड्राइंग और चौथा थ्योरी। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में आपको किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया जाएगा जिसको देख के आपको बनाना होगा, और लाइफ स्टडी में आपको किसी मॉडल को रख दिया जाए, यानी कि मॉडल को बिठा दिया जाएगा वहाँ पे, उसी मॉडल को देख के आपको बनाना होगा। मेमोरी ड्राइंग में आपको मेमोरी कंपोजिशन करना होगा जिसमें 3 फिगर्स होने अनिवार्य हैं, जैसा कि हर यूनिवर्सिटी में, जैसे कि जामिया में, BHU में और कॉलेज ऑफ आर्ट में, सभी जगह बोला जाता है, तो उसी तरह से यहाँ भी आपको कंपोजिशन करना होगा। आप वाटर कलर, पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर किसी में भी शायद कर सकते हैं। और रही बात थ्योरी की, तो दोस्तों थ्योरी में यहाँ पे आपको इंडियन आर्ट और आर्ट हिस्ट्री के बारे में जानना होता है, साथ ही साथ वेस्टर्न आर्ट और वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री के बारे में, और वहाँ के आर्टिस्ट और इंडियन आर्टिस्ट जो हैं दोनों के बारे में जानना होता है, साथ ही साथ उनके फेमस जो पेंटिंग्स हैं उन पेंटिंग्स के बारे में अच्छे से जानना होता है, और थोड़े बहुत आपको जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उन सभी को पढ़ के जाना होता है। सो दोस्तों, ये रहा टोटल BFA के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं यहाँ के MFA की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है जैसे कि BFA और MFA का जो थ्योरी एंट्रेंस एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, उन दोनों थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बुक्स और अच्छे मटेरियल्स आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी के लिंक मिल जाएंगे उन सभी मटेरियल्स का, तो आप वहाँ से परचेज करके उन सभी बुक्स को पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने मटेरियल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अब हम बात करते हैं MFA की। सो दोस्तों, MFA टोटल 2 साल का कोर्स है। यहाँ पे MFA की सीट्स की अगर बात करें तो टोटल 45 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड पे यहाँ पे एडमिशन नहीं होता, ये मेरिट बेस पे होता है, आगे मैं आपको बताऊँगा। और बात करें यहाँ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग स्ट्रीम की, तो टोटल 9 डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले पेंटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, टेक्सटाइल डिजाइन, स्कल्पचर, सेरामिक, मेटल वर्क, पेंटिंग इन पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग इन ग्राफिक्स या प्रिंट मेकिंग और म्यूरल, टोटल 9 डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बात करें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सीट्स की, तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी 9 डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में टोटल 5 सीट्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, जैसे कि पेंटिंग में 5, इंटीरियर डेकोरेशन में 5, टेक्सटाइल डिजाइन में 5, स्कल्पचर में 5, सेरामिक में 5, मेटल वर्क में 5, प्रिंट मेकिंग या पोर्ट्रेट में 5 और म्यूरल में भी 5 सीट्स, यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स में आपको 5 सीट्स देखने को मिल जाते हैं।
और बात करें यहाँ के इस MFA के इंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो दोस्तों इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, ये आपको मेरिट बेस पे सिलेक्शन यहाँ पे होता है। यानी कि BFA आप जहाँ से कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी से जो आप BFA करके आएंगे, उस BFA के नंबर को आपको मिलाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होगा, तो दोनों में सिलेक्शन होने के बाद MFA में आपका एडमिशन सक्सेस हो जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं यहाँ के डिप्लोमा कोर्सेज की। तो यहाँ पे डिप्लोमा में टोटल 19 सीट्स अवेलेबल आपको मिल जाते हैं, और जिसमें सबसे पहले डिप्लोमा इन स्कल्पचर मॉडलिंग में जो 4 साल का कोर्स है और फुल टाइम का कोर्स है, इसमें अगर टोटल सीट्स की बात करें तो इसमें टोटल 10 सीट्स हैं। और वहीं दूसरा आर्ट टीचर इन डिप्लोमा, यानी कि ये टोटल 2 साल का कोर्स है, इसमें टोटल आपको 30 सीट्स अवेलेबल मिल जाते हैं। तीसरे नंबर की डिप्लोमा की बात करें तो तीसरा है डिप्लोमा इन आर्ट एजुकेशन, जो कि 1 साल का फुल टाइम का कोर्स है, इसमें टोटल 25 सीट्स अवेलेबल हैं। और चौथा है आर्ट मास्टर सर्टिफिकेट, ये सिर्फ 1 ईयर का कोर्स है और इसमें आपको टोटल 25 सीट्स अवेलेबल आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों आर्ट मास्टर सर्टिफिकेट का डिप्लोमा करने के लिए आपको एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो आर्ट टीचर डिप्लोमा, यानी कि जो ऊपर दिया गया है, उसको 2 साल का डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। सो गाइस, अब बात करते हैं यहाँ के हॉबी कोर्सेज की। तो हॉबी कोर्सेज टोटल 1 ईयर का कोर्स है, और हॉबी कोर्सेज में टोटल 120 सीट्स अवेलेबल है। बात करें यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम की, तो टोटल 6 स्ट्रीम्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। पेंटिंग हॉबी, लैंडस्केप प्रिंट मेकिंग, मेटल पोर्ट्रेट्स और सिरामिक, ये टोटल 6 डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं हॉबी में। और अगर अलग अलग स्ट्रीम में सीट्स की बात करें तो पेंटिंग में 40 सीट्स, लैंडस्केप में 40 सीट्स 20 सीट्स, प्रिंट मेकिंग में 20 सीट्स, मेटल वर्क में भी 20 सीट्स और पोर्ट्रेट में 20, सेरामिक में भी 20 सीट्स अवेलेबल आपको देखने को मिल जाते हैं। ये टोटल 1 ईयर का कोर्स है दोस्तों, और इसको शायद 1 जुलाई से लेकर लास्ट जनवरी तक कराया जाता है। सो दोस्तों, ये रहा सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जो कि पूरे इंडिया एंड ऑल्सो अदर कंट्री में भी काफ़ी फेमस है। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या पसंद आया। और इसी तरह से फाइन आर्ट्स और ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।